हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 के आषाढ़ माह के विनायक चतुर्थी के बारे में। आषाढ़ महीने के विनायक चतुर्थी कब है? विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बनने वाले शुभ योग और पूजा का महत्व, विनायक चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। महीने में दो बार चतुर्थी तिथि आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। आषाढ़ माह की विनायक चतुर्थी 22 जून को है। इस दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से जातकों के समस्त प्रकार के विघ्न संकट मिट जाते हैं। गणपति महाराज को शुभता, बुद्धि, सुख समृद्धि के देवता माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ गणेश जी का वास होता है वहाँ पर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ भी विराजते हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की पत्नी हैं और शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। विनायक चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश की विधि विधान से पूजा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 के आषाढ़ विनायक चतुर्थी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, आषाढ़ विनायक चतुर्थी का महत्व और इस दिन बनने वाले शुभ योग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में विनायक चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। विनायक चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश की उपासना करने से और दान धर्म करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा और हिंदू पंचांग के अनुसार यह व्रत 22 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की विधिपूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन गणपति जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 21 जून को दोपहर के 3:09 पर होगी और इस तिथि का समापन 22 जून को शाम के 5:27 पर हो जाएगा। तो ऐसे में विनायक चतुर्थी का व्रत 22 जून के दिन रखा जाएगा। इस दिन हर्षण योग का निर्माण हो रहा है, साथ ही इस दिन पर रवि योग भी बन रहा है। हर्षण योग 23 जून को सुबह 3:32 तक है और रवि योग शाम के 6:01 से, यानी कि 23 जून के शाम के 6:01 से सुबह के 4:18 तक रहेगा। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी का महत्व। दोस्तों, विनायक चतुर्थी व्रत के दिन भगवान गणेश जी की उपासना करने से हमें बल, बुद्धि, विद्या, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हमें सफलता भी प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के रूप में भी पूजा जाता है, इसलिए विनायक चतुर्थी व्रत के दिन पूजा पाठ करने से
सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए बात करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, आषाढ़ विनायक चतुर्थी व्रत के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय गणेश जी को सिंदूर, नारियल, दुर्वा, मोदक, कुमकुम, हल्दी, ये सभी चीज़ें अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, गणेश स्तोत्र और गणेश चालीसा का पाठ करें। इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गणपति के मंत्रों का 108 बार जाप करना चाहिए और अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और गाय को इस दिन हरा चारा जरूर खिलाएं। अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान दक्षिणा जरूर दें, यानी कि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य के मुताबिक दान पुण्य जरूर करें। आइए बात करते हैं विनायक चतुर्थी व्रत के लाभ। दोस्तों, इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करके सभी साधक सुखी और समृद्ध जीवन जीते हैं। जो लोग बुरे दौर से गुजर रहे हैं या जीवन में असफलताओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए और भगवान गणेश जी को मोदक, लड्डू, पीले वस्त्र और मिठाई का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणेश विघ्नहर्ता माने गए हैं, इनके भक्तों को कभी भी कष्ट नहीं झेलने पड़ते। साथ ही विनायक चतुर्थी व्रत रखने से बुध और राहु केतु की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इस दिन गणेश पूजा का जो समय है वो सुबह के 10:59 से दोपहर के 13:47 तक रहेगा। विनायक चतुर्थी के दिन व्रत रखकर जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही जीवन में दुख और कलेश से छुटकारा मिलता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करने से सभी काम बन जाते हैं और सभी काम में सफलता मिलती है। ये जो गणपति हैं अपने भक्तों का विघ्न हर लेते हैं। इस दिन भगवान गणेश के कुछ मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से धन लाभ भी होता है। मंत्र इस प्रकार है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विनायक चतुर्थी व्रत में आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप व्रत कर रहे हैं तो दिन में एक फल और एक बार, यानी कि एक बार फल और एक बार जल ग्रहण अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। व्रत का पारण अगले दिन पूजा पाठ करने के बाद करें। व्रत खोलने से पहले आप गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को अन्न दान करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो भी गणेश जी की सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उसके सभी दुख गणेश जी हर लेते हैं। इसके अलावा गणेश जी को एक दंत, रिद्धि सिद्धि के दाता, गणनायक, गजानन, लंबोदर और बप्पा जैसे नामों से जाना जाता है। अगर आप विनायक चतुर्थी व्रत के दिन बप्पा की कृपा पाना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त में सही विधि से पूजन करें। आषाढ़ माह में पड़ने वाली जो चतुर्थी है तो इस दिन गणेश जी की जो पूजा है वो दोपहर में की जाती है और इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित माना जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन भूलकर भी चंद्र दर्शन ना करें। और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की पूजा का मैंने शुभ मुहूर्त बता ही दिया है, तो इस दिन आप शुभ मुहूर्त में पूजा करें, भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं या व्रत नहीं रखते हैं तो भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा अति प्रिय है। दुर्वा एक हरे घास होती है जो भगवान गणेश जी को बहुत प्रिय है, तो विनायक चतुर्थी पर गणेश जी को दुर्वा अवश्य अर्पित करें
इससे भगवान गणेश जी की कृपा साधक पर बरसती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो विनायक चतुर्थी के दिन घर पर मूषक पर सवार भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर घर ले आएं। इस उपाय को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। और अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और बहुत इस आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो इस आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन घर पर चौमुखी दीपक जलाएं। इस उपाय को करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा भगवान गणेश को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा बरसती है और इनकी कृपा से आय और हमारे भाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं, इसलिए भगवान गणेश जी को चतुर्थी के दिन मोदक अवश्य भेंट करें। इससे गणेश भगवान जी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अगर आपके यहाँ मोदक अवेलेबल नहीं हैं, तो आप लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। तो वीडियो को आप लाइक करके इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। गणपति बप्पा मौर्या। जय श्री हरि। हर हर महादेव।